देव ने कही तुम अकले बताओ और राजा की भैया कथा सुना जाओ सब प्रणाम करेंगे मोकू तुम करियो भैया सहदेव तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अपने भेद को लेकर के राजा विराट की गद्दी को जाओगे जब सभा में राजा विराट बैठेंगे गद्दी पर तो अपने भेद के लिए खोलोगे तो भेद को खोलते समय अपन सर नभाओगे और आपके पीछे हम नभा ले हमारे तो हम नंबर है और ये 10 रुपया लवकुश और इंद्रजीत इसी गांव के रहने वाले ये 10 रुपया मैया के अग्नि दान करते हैं ये पांचो पांड कुमार शेर विराटी सुंदर बदन मलूक बहुत राजे मन भाई सुंदर बदन मलूक है राजा निरखे रू अरे सिंहासन बिछावा दौ राजा ने सिंहासन बिछावा दौ राजा ने आरे रेखे तथा हुआ के भोप क्या भोला भोरी मा और ये 20 रुपया ऋतिक कुमार देवी नगर के रहने वाले 20 रुपया मैया के यज्ञ में दान करते हैं भाई साहब ऐसा मालूम पड़ता है कि राजा बैराट की सभा का दरवाजा ये भाई साहब यही दरवाजा है यहाँ पर कोई मंत्री डोरीवान और क्या और गेट का रक्षक और क्या कोई न कोई अवश्य अवश्य तो खाली है अरे कोई ना कोई होगा जरूर यहाँ आएगा जरूर अरे सभा के दरवाजे पर कोई द्वारपाल है क्या नहीं पड़ा हुआ है चलो उनको बाजी करो मुझे आवे हो अरे है कोई दरबार में कि नहीं कोई नहीं है तक भारत में चली और बड़ पेटा सरकार अरे नोच नोच देश को रे भैया कोई कर दी ना बेकार और कर दी ना बेकार अरे देश पर कर्ज दिखाया अरे भोली भाली जनता को रे भैया अरे अब तक मूर्ख सुनो मेरे भारतवासी छोड़ दो दिल की उदासी न ऐसा कोई मिला है अरे आंखें खोल के देखो रे भैया कमल का फूल खिला है।